दोस्तों मेरे सामने है चीकू का पेड़। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हुआ है। इसमें एक एक डाल में पूरा भर चुका है, आप देख लीजिए अच्छा से। ऊपर भी देख लीजिए, पूरा डाल भरा हुआ है। देख सकते हैं कितना सारा चीकू हुआ है इसमें। आप लोग थोड़ा अच्छा से देख लीजिए, तब मैं बात करूंगा इसमें क्या क्या खाद डाला है। तीन तीन है एक एक पेड़ में, डाल में, सॉरी। इधर भी देखिए, देख सकते हैं सभी जगह पे आपको भरे भरे मिलेंगे एकदम। कोई भी डाल ऐसा नहीं है जिस पे चीकू हुआ ना हो। तो अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको मैंने इसमें क्या प्रयोग किया, क्या डाला है। सबसे पहले तो मेरे हाथ में आप देख लीजिए, ये है गोबर। अब मिट्टी पूरी सूखी हुई है, देख सकते हैं गोबर इस तरह का है कि हाथ में एक बार लेने पर पूरा ये हो जा रहा है। मैंने बहुत गीला किया इसको, फिर इसके बाद मिलाया। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का गोबर है। और इसमें मैंने डाला है अंदर, ये जो मिट्टी है इसके अंदर एक परत 1 इंच नीचे मैंने डाला है वर्मी कंपोस्ट, और उसके नीचे डाला है मैंने हल्का सा सुपर फास्फेट डाला है। और मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यूज किया है जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो है इसके अंदर बोन मील का यूज़ किया है मैंने। बोन मील और सरसों का खोल मिलाकर इसके नीचे पूरा डाला है। लगभग मैंने तीन तीन खाद डाले हैं इसमें समय से, तभी मैं इतना फल दिखा पा रहा हूँ आप लोगों को। तो अभी मैं इसमें ऊपर भी गोबर डाल कर रखा हूँ ताकि ये काम कर सके ठीक से। अभी कुछ ही दिन हुए हैं बस इतना फल दे दिया, ये दोबारा से फल देता है। जब भी फल हो जा ख़त्म होता है फिर से फल देने लगता है। मैंने इतना अच्छा इसका पेड़ हो चुका है ये, अब रुके नहीं। जो गाछ एक बार फल दे देता है वो कभी रुकता नहीं है फल देने से फिर दोबारा। तो अगर ऐसे ही जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।